हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं स्केरी रॉबर्ट्स होम क्लैश। आज का लेवल है साइक्ड आउट। ऑब्जेक्टिव कुछ इस तरह से है, रिप्लेस द बर्गलर्स क्रिस्टल बॉल विद वन दैट विल स्टिंग। यहाँ पर कोई क्रिस्टल बॉल है जिसको हमने, यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, क्रिस्टल बॉल है, इसको हमने रिप्लेस करना है, और ऐसी बॉल से जो डंग मारे। इनको तो इन्होंने तोड़ दिया। फाइंड समथिंग टू रिप्लेस द क्रिस्टल बॉल। तो जो बॉल उन्होंने तोड़ी है उस जगह पे नई बॉल हमने रखनी है। तो चलें ढूंढते हैं एक नई बॉल। सबसे पहले हम के राज में है, यहाँ से हम उठाएंगे कटर और बाहर कुछ कलर्स रखे हैं यहाँ पे। तो इन कलर्स में से पर्पल कलर जो है हम उठाएंगे। अब हम एक जार ढूंढेंगे, जार जिसको हम पर्पल कलर में कन्वर्ट करेंगे। तो चलते हैं किचन में, आई थिंक किचन में ही होगा पर्पल कलर। अपना जार जो है वो किचन में ही मिलेगा। तो थोड़ा सा एहतियात से जाना है क्योंकि रॉबर्स कहीं से भी टपक सकते हैं और पता भी नहीं चलने देते, बड़ी तेज़ी के साथ झपटते हैं। फाइनली हम किचन में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे एक जार रखा है, इस पे हमने पर्पल कलर किया और इसको हमने क्रिस्टल बॉल में कन्वर्ट कर दिया। प्लेस द बी हाइव इन द फिश बॉल। अब इस फिश बॉल के अंदर हमने मधुमक्खी यानी कि मक्खियों का छत्ता जो है इसके अंदर रखना है। तो वो बाहर होगा, किसी दरख्त के ऊपर होगा। उसको कैसे उतारेंगे, उसको उतारने के लिए भी कुछ हमें चाहिए। यहाँ पे एक रॉबर मौजूद है लेकिन उसकी वो दूसरी तरफ देख रहा है, तो मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। यहाँ पर ये गिलास जो है हमने रखना है, लेकिन उससे पहले हमें शहद की मक्खियों का छत्ता चाहिए जो कि इस बॉल के अंदर हमने डाल के यहाँ पे रखना है, ताकि जब वो इसको उठाएं तो इनको डंग लगे। तो यहाँ पर मुझे कोई ऐसी चीज़ ढूंढनी है जिससे मैं मक्खियों का जो छत्ता है वो उतार सकूँ। तो ये सामने वाले जो दरख्त हैं, यहाँ पर छत्ता मौजूद है, ये आप देख रहे हैं, इसको ये उतारना ऐसे नहीं आसान। या तो सीढ़ी रखनी पड़ेगी या कोई दूसरा, कोई गन या गुलेल टाइप की चीज़। मुझे एक रॉबर ने देख लिया है जो कि मेरी तरफ आ रहा है, तो अभी तो मुझे यहाँ से भागना होगा। फ़िलहाल वो नीचे है तो मैं यहाँ से ऊपर हो लेता हूँ। शायद ऊपर से हमें कोई ऐसा आइटम मिल जाए जो हमें हेल्प आउट करे। ये गिलास बार बार क्यों गिर जाता है। तो फाइनली गाइस हमें यहाँ पे गुलेल मिला है, तो इसको मैंने उठा लिया, ये छत्ता उतारने के काम आएगा। अब तकरीबन हमारा काम जो है वो मुकम्मल है। फिर रॉबर ने मुझे देख लिया, वो मेरे पीछे ही आ रहा था। मुझे थोड़ा सा भागना होगा यहाँ से। यहाँ से मैं अब छत्ता उतार लेता हूँ, रॉबर मेरे पीछे नहीं आ रहा। तो ये छत्ता गिरा और सीधा जो है बाउल के अंदर। अब हम जाएंगे बेसमेंट के अंदर और इस छत्ते को वहाँ पे रिप्लेस करेंगे। जो पहले वाली बॉल उन्होंने तोड़ दी थी उसकी जगह पे रखेंगे।
यहाँ पे ताला नहीं है तो इस तरफ से हम अंदर चलते हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रैप्स लगाए हुए हैं, एक की जगह पे दो दो ट्रैप्स हैं, तो इनको हम पहले हटाएंगे ताकि हमारी एनर्जी जो है वो डाउन ना हो। अब रास्ता जो है खलास है, अब हम जाएंगे और अपना काम मुकम्मल करेंगे। फाइनली गाइस, हमने जो है क्रिस्टल बॉल रख दिया, अब हम यहाँ से भागते हैं। अगला काम जो है वो ये मधुमक्खियाँ करेंगी। अब हम देखेंगे इन रॉबर्स का तमाशा। तो ये दोनों रॉबर्स हैं, आहिस्ता आहिस्ता बेसमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। एक तो तकरीबन अंदर आ चुका है, नीचे उतर रहा है सीढ़ियों से। दूसरा भी शायद इसके पीछे पीछे आ रहा होगा। तो फाइनली दोनों पहुंच चुके हैं। जब वो आए तो उन्होंने देखा कि नई क्रिस्टल बॉल यहाँ पे आई है। वो बड़े खुश हो गए क्योंकि उनकी क्रिस्टल बॉल जो थी वो टूट चुकी थी। तो ये इसको एनालिसिस करते हैं, उठाता है एक चोर और उसमें देखता है कि इसमें तो मधुमक्खियाँ जो है भुनभुना रही हैं। तो डर के वो जब फेंकता है तो वो टूट जाता है और उसमें से सारी मक्खियाँ बाहर निकल के इन पे अटैक करती हैं और इनको यहाँ पर ढेर कर देती हैं। तो यहाँ पर हमारा लेवल कंप्लीट हुआ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बाय बाय।